नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज मैं एक सवाल है जो मेरे से 4-5 दिनों से फ़ोन पर कई बार पूछा जा रहा है, और उसी सवाल का जवाब मैं आज ये वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन वाला, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन पहुँचे, जिससे आप लोगों को कोई भी जानकारी हो वो आप लोग मिस ना हो, ठीक है दोस्तों। तो सवाल ये था, 4-5 दिन से मेरे पास एक ही सवाल को लेकर मतलब कॉल आ रहा है कि क्या भाई गुड़ाई करना ज़रूरी है, क्या गुड़ाई किस लिए मतलब की जाती है, करना ज़रूरी है, खरपतवार नहीं है फिर भी करना ज़रूरी है क्या। तो उसी सवाल को लेकर आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को वीडियो के ज़रिए उस सवाल का जवाब दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि सारे भाई लोग जो हैं वो कॉल ना कर पाते हों, या फिर उनके पास नंबर ना हो किसी कारणवश, या फिर हो सकता है कि मेरे घर पे प्रॉब्लम है नेटवर्क की, उनका फ़ोन ना लगता हो। तो मैं सोचा वीडियो क्यों ना बना दी जाए इस पर। तो दोस्तों, गुड़ाई मूछली में, सफ़ेद मूछली में गुड़ाई करना ज़रूरी है, खरपतवार हो या ना हो। गुड़ाई का महत्व एक अलग ही महत्व है। फर्स्ट 15 से 20 दिन के अंदर गुड़ाई ज़रूरी है। अगर खरपतवार ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा जल्दी गुड़ाई चाहिए, और नहीं तो 15 दिन में तो गुड़ाई करनी ही है। मतलब लगाने के जिस दिन लग के ख़त्म होती है उसके 10 से 15 दिन के बीच में गुड़ाई ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो जिस तरीके से कोई भी फसल हो, जैसे मक्का हुआ, जो भी गुड़ाई वाली फसलें हैं उनमें गुड़ाई का महत्व एक अलग होता है। उसी प्रकार से मूसली में भी एक गुड़ाई का महत्व है। हालाँकि अगर खरपतवार ना हो तो मूसली में गुड़ाई की ज़रूरत लोग बाग बोलते नहीं पड़ती है, लेकिन मैं बोलता हूँ उसमें गुड़ाई की ज़रूरत है। फर्स्ट पहला कारण ये है कि अगर जैसे हमने कोई मूसली की रुपाई की और कोई फंगर जमीन के अंदर नीचे ज़्यादा चला गया, या फिर उसके ऊपर से मिट्टी डालने के टाइम पत्थर आ गया, या कुछ कंकड़ आ गया जो मतलब उसका अंकुर बाहर नहीं निकल पा रहा है, कुछ कारण बस मतलब काफ़ी ज़मीन के अंदर वो प्रॉब्लम होती है, तो उसको गुड़ाई करके हम गुड़ाई करने के टाइम हमको पता चलता है इसके ऊपर पत्थर था, ये वहीं पे मतलब ऐसा फोल्ड हो जाता है इस तरीके से, जैसे अंकुर बाहर आ रहा है ऐसा रह जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता है। तो अगर हम गुड़ाई नहीं करेंगे तो वो तो कम से कम 10 से 15% हमारे फंगर अंदर ही रह जाएंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। कुछ कमज़ोर जो होते हैं या मतलब काफ़ी मतलब वो हैं, मैंने क्योंकि एक बेड्स है मेरा, मैं आपको अभी चल के दिखाऊंगा, मैं एक बेड्स है कि उसमें मुझे लग रहा था कि इसमें पता नहीं लेबर ने दूर दूर लगाई है या फिर इसकी मर गई है, इसके अंकुर क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं, 10 दिन 12 दिन हो गए अंकुर क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। तो परसों के दिन मैंने उसमें गुड़ाई की, गुड़ाई करने के बाद 2 दिन बाद देख रहा हूँ तो छोटे छोटे बाहर दिखने लगे हैं। और गुड़ाई के टाइम पर भी कुछ ऐसे फोल्ड थे, किसी पर पत्थर था छोटा सा, मतलब थोड़ा सा किसी पर ज़्यादा मिट्टी थी, तो इसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे जल्दी। तो गुड़ाई की तो 2 दिन में ही मेरा सारा बेड्स कम्प्लीटली दिखने लगा कि हाँ ये अभी इसमें कोई कमी नहीं है, सारा बेड्स अच्छी मतलब अच्छे से रुपाई की है लेबर ने। तो इसलिए गुड़ाई ज़रूरी है, ठीक है गाइस। गुड़ाई की महत्व अलग ही होता है। गुड़ाई किया हुई मूसली बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उसमें काफ़ी मतलब है। गुड़ाई करने से खरपतवार तो कम होता ही है, इसके बाद मूसली के लिए बहुत वो है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, उससे पहले जाके आपको फार्म पर दिखाता हूँ कि एक बेड्स की जो मैंने गुड़ाई कर दी उसमें मुझे डाउट था कि इसमें कम लेकर मतलब सफ़ेद मूसली निकली है तो वजह क्या है। तो लेकिन वजह कुछ नहीं थी, वो कुछ फंगर नीचे ज़्यादा गहरे हो गए थे, कुछ के ऊपर पत्थर मत्थर थे, तो गुड़ाई के टाइम पे सब दिख रहे थे। मतलब गुड़ाई करते समय ना सब पता चलता है कि ये अंकुर है ना ये निकलने वाला है, लेकिन ये निकल नहीं पा रहा है। अंदर तो अंकुर हो गया लेकिन बाहर निकलने में समय ले रहा है, या फिर उसके ऊपर पत्थर है, तो फिर वो जैसे जिस तरीके से अगर उसके ऊपर पत्थर है तो वहीं रह जाएगा, फिर वो नहीं निकल पाएगा। हाँ, एक बार मिट्टी रहेगी तो वो थोड़ा देर में निकल आएगा, तो इसलिए गुड़ाई ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी बेड्स में आपको जाके दिखाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, तो ये बिना गुड़े हुए बेड्स हैं, अभी इनको गुड़ाई
रात में बारिश हो गई है इसके लिए नहीं हो पाई, नहीं तो आज से स्टार्ट हो जाती, अभी कल से स्टार्ट करूँगा। और ये देखिए अभी इसमें आपको दिख रहे होंगे कि अभी यहाँ पे दिख नहीं रहे, मतलब एक ही पौधा दिख रहा है, तो मैंने गुड़ाई किया इसमें। तो देखिए गुड़ाई के टाइम पे कल मुझे ये देखिए छोटा सा निकलते हुए दिखा, मतलब ये दबा हुआ था अंदर, उसी प्रकार से देखिए कि कैसे गुड़ाई के बाद निकलने लगे। तो इसी तरीके से ये दूसरा बेड है जो आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाला, इसमें ना मुझे लग रहा था कि ये बहुत मतलब दूर दूर लगा दी है लेबर ने, या फिर मर गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई। उसी तरीके से जिस तरीके से वो बेड्स वो छोटा सा मैंने गुड़ाई किया है ना, वो दिख रहा है कि मतलब कितने दूर दूर दिख रही है, पता चल रहा है कि इसमें लगी ही नहीं है, मतलब ना के बराबर दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से इस वाले बेड्स पर दिख रही थी, तो मैं टेंशन आ गई थी मुझे कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन फिर मैंने खुद ही मैंने गुड़ाई कर दी है। और तो गुड़ाई के बाद देखिए ये देखिए कुछ ये देखिए ऐसे निकलना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ ये दिखने लगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहे थे, देखिए ये सारे मतलब गुड़ाई के बाद देखिए सारा बेड्स अच्छा लगने लगा। फिर उसी तरीके से इसको भी मैंने खुद ही गुड़ाई कर दी, देखिए सारे पौधे। तो क्या होता है कि गुड़ाई के बाद जैसे ये जी इतने बड़ा पत्थर, जैसे ये मिट्टी है इतनी बड़ी, इससे बड़ी बड़ी, ये तो अभी गुड़ाई हो गई इसकी, इससे बड़े बड़े कुछ रहते हैं। तो अगर ये इसके ऊपर इस जैसे ये छोटा है, ये इसके ऊपर ऐसे रखा रहता है और अंकुर नीचे से निकल रहा है, तो फिर वो उसकी वजह से इसको इसको बाहर निकल के नहीं आ पाता है, वो समय ले लेता है, हो सकता है कि फिर ज़्यादा बारिश हो गई तो वो अंदर ही रह जाए या सड़ जाए या कुछ हो जाए, तो इसके लिए गुड़ाई ज़रूरी है। तो देखिए ये वाला बेड्स भी गुड़ाई होने के बाद, इसकी गुड़ाई मैंने कल ही की है, देखिए कुछ हैं, देखिए गुड़ाई के बाद ये कितने सारे, ये देखिए गुड़ाई के बाद ये देखिए दिखना शुरू हो गया, इसके पहले नहीं दिख रहे थे। तो गुड़ाई का ये फ़ायदा हो जाता है, तो गुड़ा इसीलिए मैं सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि गुड़ाई ज़रूरी है, और वो भी गुड़ाई ऐसा नहीं कि आपको बहुत देर लेट करनी है, लेट नहीं करनी है, लगाने के बाद से मतलब 15 दिन के अंदर ही आपको गुड़ाई करनी है, खरपतवार हो या ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये इसलिए ये गुड़ाई ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुड़ाई ज़रूरी है, मतलब लगाने के लग जिस दिन जैसे लग जाती है उस दिन से 10 से 15 दिन के अंदर गुड़ाई ज़रूरी है, खरपतवार हो या ना हो। उससे गुड़ाई से क्या है ना, हमारे काफ़ी फंगर अंदर रह जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, और गुड़ाई की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो गुड़ाई ज़रूरी है, और दोस्तों ऐसी धूप में वीडियो बनाने आया हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए इस वीडियो पे। और क्योंकि मुझे लास्ट में अभी एक फ़ोन आया था इसी बात को लेके, तो मैं बोला चलो क्यों ना इसी पे अब वीडियो बना दी जाए, ठीक है ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम सीताराम।